इसको कॉन्टीन्यूस 9 घंटे राइड करी थी, 9 से 10 घंटे इसमें लगे थे और टोटल रेंज 193 किलोमीटर के आसपास निकल के आई थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये देखिएगा पावर एकदम से 2-3 3.7 तक गई है, 3.9 तक चली गई, 3.7 3.8 ऐसे लगभग 4 किलोवाट के आसपास की पावर ले जाता है। बहुत ही स्लोली आपको थ्रॉटल देना है अच्छी रेंज के लिए, ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि तो भाई बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है कि आप इतनी अच्छी रेंज कैसे अचीव कर रहे हैं, कैसे आपको इतनी अच्छी रेंज मिल रही है। तो भाई आज उसी का ये व्लॉग रहने वाला है और उसी को डिस्कस करेंगे आज इस व्लॉग में। तो देरी ना करते हुए जल्दी से अपने इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज शुरुआत से बात करते हैं कि जो हमारी ओला S1 Pro Gen 2 है, इसके अंदर आपको पता होगा कि इसके अंदर 4 मोड आते हैं और हर एक मोड में आपको अलग अलग रेंज मीटर पे दिखाई देती है, जिसको ट्रू रेंज बोला जाता है। फुल चार्ज जब अपना स्कूटर आप कर लेते हैं तो आपको इको मोड में 180 किलोमीटर की ट्रू रेंज दिखती होगी। बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन होती है, कंपनी वाले 195 किलोमीटर इसकी रेंज बताते हैं बट मीटर पे 180 किलोमीटर ही लिख करके आता है। ओला S1 Pro Gen 2 है, उसकी ट्रू रेंज है 180 किलोमीटर और जो इसकी क्लेम्ड रेंज है कि आप वहाँ तक पा सकते हो अगर जो अच्छे से राइड करते हो तो वहाँ तक आप निकाल सकते हो, तो वो 195 है। वो ट्रू रेंज से उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप एयर की देखते होंगे 151 के आसपास की बताते हैं बट जब फुल चार्ज करेंगे तो वहाँ पे 125 ही दिखते हैं। तो ये ट्रू रेंज और क्लेम रेंज में डिफरेंस है। ओवरऑल अगर तो देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रही है हम लोगों को कि मोड के हिसाब से हमारी रेंज जो है वो घटती रहेगी। तो आखिर ऐसा होता क्या है कि मोड के हिसाब से हमारी रेंज घट रही है? दरअसल होता ये है, जो मोड्स होते हैं उसमें हमारी गाड़ी को पावर एक्स्ट्रा मिलती रहती है। जैसे कि बात करें अगर तो इको मोड की, तो इको मोड अगर तो आप यूज़ करके चल रहे हैं तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम जो पावर मिलेगी वो आपको 2 किलोवाट की मैक्सिमम पावर मिलेगी, क्योंकि हमारा स्कूटर ये 11 किलोवाट की पीक पावर तक जा सकता है। 11 किलोवाट की पावर को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट मोड में कि अगर तो आप इको मोड को अगर लगा कर राइड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इको मोड में आपको मैक्सिमम 2 किलोवाट की पावर मिलेगी। इसी तरीके से अगर तो नॉर्मल मोड आप राइड करते हैं नॉर्मल मोड में तो वहाँ पर आपको 4 से 4.5 किलोवाट के आसपास की पावर मैक्सिमम मिल जाएगी, और अगर जो आप इसको स्पोर्ट मोड में आप इसकी राइड करते हैं तो वहाँ पे आपको 6.5 किलोवाट की पावर देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप हाइपर मोड में तो हाइपर मोड में 11 किलोवाट की पीक पावर तक ये जा सकता है। जब से मूव OS 4 आया है तब से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाता हूँ कि मैं हमेशा पावर की रीडिंग एक तरफ लगा के रखता हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं और अपनी रेंज को हम इनक्रीज़ कर सकते हैं, तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इको मोड में हमारी पावर सबसे कम होती है और हाइपर मोड में हमारी पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हर एक मोड में आपकी स्पीड भी डिफरेंट डिफरेंट है क्योंकि पावर सबकी अलग अलग है। जैसे कि इको मोड में आपकी गाड़ी 42 मैक्सिमम जाएगी, नॉर्मल मोड में 82 के आसपास आपकी गाड़ी मैक्सिमम जाएगी, और इसी तरीके से स्पोर्ट मोड में आपकी गाड़ी मैक्सिमम 95 और हाइपर मोड में 120 किलोमीटर तक ये जाती ही जाती है। जाहिर सी बात है अब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपकी रेंज कम होती जाएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो ट्रू रेंज 180 किलोमीटर हमको दे रखी है वो किस स्पीड पे हमको वो रेंज मिलेगी? तो इसका एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि आपको स्पीड अपनी जो है अगर इको मोड लगाएंगे तो उसकी मैक्स स्पीड है 42 किलोमीटर, तो 42 पे तो नहीं मिलने वाली। जितनी बार भी मैंने 42 पे राइड करी है इको मोड पे तो वहाँ पे आपको 150 के ऊपर ही देखने को मिलती है अगर आप इसकी इको मोड की फुल स्पीड पे अगर राइड करते हैं तो। अगर इको मोड में आपको ट्रू रेंज के अकॉर्डिंग रेंज लेनी है तो आपको वहाँ पे कम से कम ब्रेकिंग यूज़ करनी होगी, रोड भी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। गड्ढे गुड्ढे वाली रोड होगी तो वहाँ पे पावर आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा, आपको मैक्सिमम स्पीड 30 ही रखनी पड़ेगी। इससे ऊपर जाएंगे तो 180 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो 30 की स्पीड में वैसे कोई चलाता नहीं है, बहुत ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी इस स्पीड में नहीं करता, बट सिटी में बहुत सी जगह ऐसी होती है ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी ये 30 की स्पीड में चल रही है, मैक्सिमम स्पीड 30, तो आपको रेंज जाहिर सी बात है मिलने वाली है। ईवी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मिलता है, क्योंकि इसमें कोई इंजन तो होता नहीं है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो इंजन ऑन हो। यहाँ पे तो जिस तरीके से आप एक्सलरेट करेंगे उसी हिसाब से ये एनर्जी कंजप्शन करेगी। आपका जैम वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट कितने भी देर का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो ट्रैफिक होता है ट्रैफिक में आपकी गाड़ी जो है वो बहुत अच्छा एवरेज देती है और रेंज देती है। पेट्रोल से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा आपको रेंज देती है। नॉर्मल मोड की बात करते हैं, नॉर्मल मोड में हमें जो अगर तो ट्रू रेंज के अकॉर्डिंग रेंज चाहिए होगी तो वहाँ पे स्पीड हमें 50 रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर जो आपको स्पोर्ट मोड में अगर आपको
स्पोर्ट मोड के अकॉर्डिंग अगर वो रेंज चाहिए होगी तो वहाँ पे आपको 60 रेंज रखनी पड़ेगी, तब आपको स्पोर्ट मोड के अकॉर्डिंग रेंज मिलेगी। 24 किलोमीटर की ट्रू रेंज बचती है तब आपके पास वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इको मोड ही बचता है। तो इको मोड की मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 42 है, तो 42 के ऊपर आप जा नहीं सकते हो। अगर आप 42 के ऊपर का कोई रेंज टेस्ट अगर हमसे आप पूछोगे तो उसकी सटीक जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जैसे ही वो इको मोड में गाड़ी शिफ्ट हो जाएगी तो आपको वहाँ पे 50 या 60 या 70 या 80 किलोमीटर की स्पीड में उसमें तो पॉसिबल नहीं है चलाना। तो इसलिए अक्सर कर मैं जब भी रेंज टेस्ट आपको बताता हूँ, टेस्ट में ये भी ज़रूर बता देता हूँ कि टोटल ये इको मोड में कितना चली है, प्लस नॉर्मल मोड या स्पोर्ट मोड या हाइपर मोड सब में कितना चली है। जो नॉर्मल मोड में आपको 40 की स्पीड पर रेंज मिलेगी, वही हाइपर मोड में भी आपको 40 की स्पीड पर वही सेम रेंज मिलेगी। तो यहाँ पे पावर हमारी डिवाइड होती है, पावर के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड, जितनी स्पीड रहेगी उस हिसाब से पावर लगेगी इसमें। अब पावर का रेशियो इसमें बढ़ जाता है घट जाता है मोड में, ये बस ये होता है कि कितनी स्पीड में वो पावर तक पहुँचेंगे आप और कितनी स्लोली पहुँचेंगे। यहाँ पर पावर के फ्लो को बस रोका जाता है मोड के माध्यम से, और वहाँ पे एक मोड में बस एक पावर निश्चित होती है कि 2 किलोवाट इसमें है, 4 किलोवाट इसमें है, 6 यहाँ है, 11 वहाँ है, ऐसा करके होता है। पावर डिलीवरी है वो सबसे ज़्यादा हाइपर मोड में होगी, उसके बाद स्पोर्ट मोड, उसके बाद नॉर्मल, और सबसे कम आपको इको मोड में दिखाई देगी। तो बस फ़र्क यही रह जाता है, इस वजह से हमारी जो पावर डिलीवरी जो हाइपर मोड में सबसे ज़्यादा, इसलिए रेंज उसमें सबसे ज़्यादा घट जाती है, क्योंकि जल्दी हम अपनी स्पीड को पहुंच जाएंगे। ऐसा स्पोर्ट मोड में हाइपर मोड से कम होगा, नॉर्मल मोड से कम होगा, सबसे कम आपको इको मोड में देखने को मिलेगा, फ़र्क इतना होता है। अगर ये फंडा आप समझ गए तो यहाँ पे जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब आप इसके मास्टर हो सकते हैं, चाहे आप हाइपर मोड में चल रहे हो, चाहे आप नॉर्मल मोड में चल रहे हो, चाहे आप इको मोड में चल रहे हो, हर एक मोड आपके लिए सेम हो जाएगा। 158 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी हाइपर मोड में चली थी। अब आप सोचिए हाइपर मोड में तो 100 किलोमीटर शो करता है। आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि हाइपर मोड में भी ये उतना ही जाएगी जितना इको मोड में जाएगी, तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर करने के लिए, मैंने 25 की स्पीड पे मैंने इसको कॉन्टीन्यूस 9 घंटे राइड करी थी, 9 से 10 घंटे इसमें लगे थे और टोटल रेंज 193 किलोमीटर के आसपास निकल के आई थी। सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये चाहे हाइपर चलाएं, चाहे नॉर्मल चलाएं, चाहे कोई सा मोड चलाएं, आप कैसे उसमें मैक्सिमम रेंज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप चलते हैं अपनी राइड पे, और राइड पे आपको हम बताते हैं कि कैसे आप इसके अंदर अच्छी रेंज पा सकते हैं, जैसे कि मैं अचीव करता हूँ। क्या फंडा है वही मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। देखिएगा पावर एकदम से 3.7 तक गई है, 3.9 तक चली गई, 3.7 3.8 ऐसे लगभग 4 किलोवाट के आसपास की पावर ले जाता है। तो अब जब 4 किलोवाट की पावर जाएगी तो 4 किलोवाट में तो 120 क्रॉस कर देगी, बट हम पावर उतनी लगा रहे हैं, तो हमको अपना जो थ्रॉटल है आपको पावर वाला ये सेट कर लेना है, बहुत ही स्लोली आपको थ्रॉटल देना है अच्छी रेंज के लिए। ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि स्पीड जितनी भी रखनी हो बट उसके अकॉर्डिंग आपको थ्रॉटल जो है वो बहुत ही स्लो करना है, थ्रॉटलिंग बहुत ही स्लो करनी है ताकि ज़्यादा पावर आप कंज्यूम ना करें। एक चीज़ तो ये हो गई, और अब जरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग का समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए थ्रॉटल स्लो किया, ठीक है ना, कितनी स्पीड में ये मेरी डिजिट जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ही जीरो हो गई, अब बहुत ही जल्दी आपकी स्पीड जो है वो कम कर देगा क्योंकि चार्ज करने लगता है, बट फिर हमें पुल करना होगा, 40 जाना है। देखिए 1.5 किलोवाट के आसपास की पावर में फिर से ले गया। तो अब हम जरा इसको हम चेक कराते हैं आपको कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसको आप ऑफ करके देखिए क्या इम्प्रूव आता है। यहाँ पे इसको कर देंगे ऑफ राइडिंग और इसको कर देंगे ऑफ। अब फिर से हम अपना स्कूटर यहाँ पे राइड करते हैं, रीजन इसका इस समय ऑफ है और 40 की स्पीड पे। अब हम यहाँ पे देखिएगा, अब ये स्पीड जो गिर रही है ना वो बहुत स्लोली गिर रही है। यहाँ पे देखिएगा डिजिट कितने स्लो में चेंज हो रहे हैं। मुझे अगर वो 40 रखना भी है ना तो ये देखिए कितनी स्पीड में है, स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो गिर रही है क्योंकि यहाँ पे ये इसको चार्ज नहीं कर रहा है। तो फ़ायदा क्या मिलेगा इसमें आपको, स्पीड जो है ना आपकी मेंटेन रहेगी, जैसे आप
ट्रैफिक में चल रहे हैं। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर ऑन हो कि जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे वो स्कूटर को चार्ज करेगा, वहाँ पे आपका एनर्जी लॉस आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप सिटी में आप जैसे कि आप एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो स्कूटर आपका चार्ज करना शुरू कर देगा, फिर से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, फिर से उस स्पीड को पाने के लिए जितना हमें पावर यूज़ करनी पड़ती है उसका कुछ परसेंट वो चार्ज करता है। तो मेरे मायने में रीज़न जो है ना ही लगाया जाए। अगर आप प्लेन रूट पर रहते हैं, यहाँ पर मैं पावर ले गया, अब यहाँ पर हो सकता हो बहुत लगभग 50 मीटर 60 मीटर में अपना फालतू ही चल जाऊँगा ना, जो भी स्पीड पे चल रहा हूँगा तो वो अपना स्पीड जो है ना मेंटेन रख करके जैसे कि ये पूरा फ्लाईओवर क्रॉस कर दूंगा मैं, अब क्योंकि ये तब तक बंद ही नहीं होगा। रीजन ऑन होता तो शायद बीच में ही रुक जाता, बट ये 25 की स्पीड पे है अभी भी और मैं पूरा फ्लाईओवर क्रॉस कर दूंगा इस स्पीड पे। और अगर रीजन ऑन होता तो इतनी दूर ट्रैवल मैं नहीं कर पाता। किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ये भी एक बात हो जाएगी कि फिर रीजन किन के लिए बना हुआ है। रीजन तब बना हुआ है जब आप पहाड़ पे रहते हैं, ठीक है ना, हमें ब्रेक रोकनी है। इस समय देखिए रीजन ऑफ है ना, इस समय पे रीजन बिल्कुल ऑफ है, बट क्या रीजन हमारा वर्क नहीं करेगा? इस समय भी रीजन वर्क करेगा, बट कौन सा रीजन? ये फोर्स रीजन, देखिए 1.1 किलोवाट, ये देखिए ब्रेकिंग तो हमारी चल रही है ना, रीजन वाली ब्रेकिंग चल रही है। इससे जब भी आप रोकना होगा तो आप फोर्स रीजन अप्लाई करेंगे, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम गिरेगी, जिसकी वजह से आप अगर वो एक एवरेज स्पीड जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी, वहाँ पे आपको एनर्जी जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए मैं रीजन आपको ऑफ रखने की सलाह दूंगा। अब आपको रुकना है, रुकने के लिए आप उल्टा थ्रॉटल कर दोगे, ये देखिए उल्टा थ्रॉटल किया तो यहाँ पे मेरी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम में आई और जो भी एनर्जी इसने स्टोर करी होगी वो मेरे काम की है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रुकना था यहाँ पे, अपनी स्पीड स्लो करनी थी तो मैंने रीजन से कम कर ली। सॉफ्ट रीजन ये होता था कि जब हम लोग सॉफ्ट रीजन पे एक्सीलेटर छोड़ देते थे उस टाइम पे ये रीजन ऑफ करता था, बट हार्ड रीजन कभी भी नहीं बंद होता इसका, देखिए ये आपका हमेशा चलेगा हार्ड रीजन जो होता है। तो यहाँ पे एक इस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आपको बहुत ही स्लोली एक्सीलेट करना है अपनी गाड़ी को, बहुत ही स्लोली एक्सीलेट करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं 40 चल रहा हूँ, मुझे 50 जाना है, भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, बट ये ईवी है, इसको पेट्रोल की तरह नहीं चला सकते ना, क्योंकि इसका पिकअप आपकी पेट्रोल व्हीकल जो भी 150 सीसी वाली व्हीकल्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही है इसका पिकअप। धीरे धीरे करके पहुँचना होगा, ये नहीं कि बहुत फास्ट, क्योंकि आप ये देखिए मेरे किलोवाट जो पावर के हैं वो कितना मैं स्लो स्लो इसको मूव कर रहा हूँ, 0.8, 0.9, इसके अलावा आप 15 डेज़ पे अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसकी सेल बैलेंसिंग भी करें, वो भी ज़रूरी है ताकि आपके सेल जो है उनका SOC लेवल में रहे। भी यहाँ पे आपको ट्रू रेंज के आसपास की ही रेंज मिलेगी इस पे 50 पे नॉर्मल मोड में। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को अगर राइड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी रेंज मिलने वाली है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।